नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सरकार और किसान संगठनों के बीच सातवें दौर की बातचीत में भी नहीं बनी बात। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े किसान, सरकार का कानूनों को रद्द करने से साफ इनकार। किसानों के साथ बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दो टूक, रद्द नहीं होंगे कानून, सरकार सुधार के लिए तैयार तो फिर रद्द करने की क्यों मांग, आंदोलन खत्म होने के बाद सुधार की कही बात। किसान संगठनों और सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत में दिखी दोनों पक्षों के बीच केमिस्ट्री, किसानों के साथ मंत्रियों ने चखा लंगर का स्वाद, गुरुद्वारे से आया था किसानों के लिए खाना। नए कृषि कानून को रद्द करने को लेकर 35वें दिन भी किसानों का जारी है आंदोलन, कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं हजारों किसान। किसान आंदोलन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, किसानों के हित में नया कानून, कानून को दो साल देखे किसान, नहीं तो संशोधन के लिए तैयार। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को केजरीवाल सरकार का मुफ्त वाईफाई का तोहफा, बुधवार को लगाए गए हॉटस्पॉट। देश में बढ़ता जा रहा है कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा, 20 मरीजों में मिला नया कोरोना स्ट्रेन, हाई अलर्ट पर राज्य सरकार। कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार ने शेड्यूल कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को बढ़ाया, अब 31 जनवरी 2021 तक रहेगा प्रतिबंध, स्पेशल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल एयर कार्गो परिचालन पर लागू नहीं होगा बैन। ब्रिटेन ने दी कोरोना की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी, भारत में भी मिल सकती है मंजूरी, वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिल सकती है मंजूरी। भाजपा के बीच तनातनी की खबरों के बीच आरजेडी खेमे में बड़ी सुगबुगाहट, जेडीयू विधायकों के आरजेडी के संपर्क में होने की खबर, डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर अध्यादेश पर 104 से अधिक सीनियर रिटायर्ड अफसरों ने लिखी सीएम योगी को चिट्ठी, कहा नफरत, विभाजन और जातिवाद की राजनीति का केंद्र बना राज्य। भाजपा शासित राज्यों के धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया सही, कहा धर्म परिवर्तन का गलत तरीके से हो रहा इस्तेमाल। उज्जैन और इंदौर के बाद अब मंदसौर में राम मंदिर के चंदा संग्रह के दौरान हंगामा, इंदौर की गौतमपुरा में पथराव के मामले में 39 पर FIR, हिरासत में 23 आरोपी। मध्य प्रदेश में राम मंदिर के लिए धन संग्रह पर हंगामे पर बोले विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार से सुरक्षा देने की करेंगे मांग, मुस्लिमों से मिलने वाले चंदे पर नहीं कोई एतराज। ऑनलाइन नहीं, क्लासों में होगी बोर्ड परीक्षा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान, गुरुवार शाम को परीक्षा की रूपरेखा को लेकर होगा आधिकारिक ऐलान। नए साल पर कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, EPF पर एक मुश्त 8.5% ब्याज देने के प्रस्ताव को मंजूरी। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भी तेजी, सेंसेक्स में 133 अंकों का उछाल, निफ्टी भी 49 अंक उछला। नए साल से पहले मध्य प्रदेश में ठंड का सितम, भोपाल और इंदौर में सामान्य से 7 डिग्री कम रहा है दिन का पारा, 25 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम। सलमान खान की फिल्म राधे की जी स्टूडियो के साथ हुई 230 करोड़ में डील, फिल्म के सैटेलाइट, थिएटर राइट्स, ओवरसीज राइट्स और म्यूजिक राइट्स बेचे गए, 2021 में ये मूवी थिएटर में होगी रिलीज। अभिनेता मुकेश खन्ना उन बॉलीवुड स्टार से नाराज नजर आए जो तंबाकू और स्मोकिंग का विज्ञापन करते हैं, मुकेश ने ट्वीट किया है, क्या है ये सब, लोगों को भ्रमित करने का खतरनाक रास्ता, हानिकारक वस्तुओं का नाटकीय ढंग से दुष्प्रचार। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।